हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी इस ऑनलाइन क्लास में एडवांस एक्सेल फॉर्मूला और हम लॉजिकल कैटेगरी के फॉर्मूले के बारे में जान रहे हैं। हम बात करेंगे एंड और मतलब कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है और मुझे इस डेटा में चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन से है और कौन नहीं है। तो इसके लिए आप जो सिंपल क्या करेंगे कि इफ ग्रेटर देन 50 है तो जो एक मैसेज देना है ओके दे दीजिए, अदरवाइज पेंडिंग दे दीजिए, ये आप करते हैं। लेकिन मुझे अगर बिटवीन करना है, जैसे मैं चाहता हूं कि 85 टू 95 वाले जितने हैं उसके आगे 800 आना चाहिए, ठीक है, 85 टू 95। तो यहां पे हम देंगे फॉर्मूला कि इफ इफ नहीं, यहाँ पे पहले लगाएंगे एंड, क्योंकि एक इफ आपका एक कंडीशन लेता है, एक से ज्यादा इफ। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू 85 है, और फिर यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन लेस देन इक्वल टू 95। समझ गए? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 85 एंड लेस देन इक्वल टू 95 है, तो यहां पे रिजल्ट आपका ट्रू अदरवाइज फॉल्स आए। तो एंड क्या करता है, अपने अंदर में मोर देन वन कंडीशन। अब यहां पे मैंने नहीं बोला कि दो कंडीशन लेगा, तो रिजल्ट ट्रू है। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए। अगर ट्रू आएगा तो वो यहाँ पे 800, अदरवाइज 0 आना चाहिए। ठीक है, रिफंड ओनली दो कंडीशन पे ही आ सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक इफ एक कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन, तो आपको एंड या फिर और लगाना पड़ेगा। जब आपके पास भी हो तो और एंड लगाएंगे, और एंड में हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन। अच्छा, तीन कंडीशन का तेरा दिखा दीजिए, दो कंडीशन अभी हुआ, तीन कंडीशन बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए। अब जैसे कि मेरे पास कुछ नील नेम है और मैंने इनकी चेक किया है सब्जेक्ट्स का, चार सब्जेक्ट है, तीन मैं चार मैं बताऊं, चार सब्जेक्ट्स है और उनके यहाँ पे मार्क्स डले हुए हैं। अब मुझे इस पे इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है और रिजल्ट कैलकुलेट में हमें ये देना है कि गेट यहाँ पे रिजल्ट, तो पास और फेल देना है। कंडीशन है कि हर वो 30 से ज्यादा मार्क्स लाया, किसी भी 30 से कम है तो यहां पे ना किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? रिस्की सर, आपको आवाज कट रहा है सर। अच्छा, सबको आवाज कट रहा है क्या? नहीं, आवाज आ रही कट रहा है। नहीं, मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, मैं पूरा इस भरा भरा नहीं बोल रहा हूँ। नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
नहीं रवि कुशवाहा जी, आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आपका स्पीड कम है, शो कर रहा है। आप देखिए ना, आपका माइक का मीटर जो लीन नहीं है ना। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है सर, आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक क्योंकि अभी है सर, नेट ठीक है। ब्लॉक भी होने वाला है, आई थिंक 10 के 11 बजे से नेट ब्लॉक हो जाएगा ना। मैं न्यूज में हम सुन रहे थे। सर कंटिन्यू करिए ना। चलिए तो इसमें हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट निकालना है कि जो ग्रेटर देन मतलब कि 30 है उस पे आना चाहिए। तो यहां पे हम एंड का फॉर्मूला देंगे, एंड हम वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे कि ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो यहां पे दूसरा कंडीशन चेक करेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, फिर तीसरा वो चेक करेगा क्या ये ग्रेटर देन 30 है, तो फिर चौथा वो चेक करेगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अगर सारे रिजल्ट अच्छी तरह से वन बाय वन अपने रिजल्ट दे दीजिए कंडीशंस, मतलब कि जितने भी कंडीशन वन बाय वन आप दे दीजिए। जहां जहां रिजल्ट आपका आएगा वहां वहां ट्रू हो जाएगा, अगर फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसको इफ के अंदर में रख देता हूं, इफ अगर ये ट्रू है तो यहां पे पास, अदरवाइज ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो एंड का इसमें जी हम करते हैं जहां पे हमें कंडीशंस रिक्वायर्ड है, बाकी जो भी कंडीशन डाले वो सबके सब होने ही चाहिए, कोई भी एक ना हो तो फेल है। जैसे आप देखिए इसमें इस कंडीशंस इसको ये आपका दूसरा कंडीशन इसको फिर फॉल्स हो गया, एक कंडीशन आपका फॉल्स हो गया क्योंकि ये ग्रेटर देन 30 नहीं है, तो आपका फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स आया। समझ गया? ठीक सर, ठीक क्लियर है? कंडीशन कंपलसरी होना चाहिए। हाँ, कंडीशन कंपलसरी होना चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि मेरे पास जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ सुजीत, यहाँ पे सॉरी नेम देता हूँ, जमान में नेम में सुजीत है, उसके आईडी प्रूफ जो है जमा क्या क्या किया ये पता करना है। तो आईडी प्रूफ में हमने ऑप्शन है हमारे पास कि पैन जमा कर सकता है, ईएल जमा कर सकता है, वोटर आई कार्ड जमा कर सकता है, यू आईडी आधार जमा कर सकता है, या फिर पासपोर्ट जमा कर सकता है। और यहाँ पे मुझे स्टेटस चाहिए, तो अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा, इसमें और भी बहुत सारे नाम है, हर बंदा आपको सब जमा करे। अब किसी के पास डीएल था तो उसने डीएल, क्योंकि आईडी प्रूफ में मैं कहा बोला बोला गया है कि एक ही जमा होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी दे सकते हो लेकिन कंपल्सरी है एक, कम से कम एक तो होना ही चाहिए।
ठीक है। तो यहां पे हम एंड तो लगा नहीं सकते, इसलिए और लगाते हैं, और दैट इज इक्वल टू वाई को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल टू वाई इसको सिलेक्ट करते हैं, इक्वल टू वाई और वापस इसको सिलेक्ट करके बोलते हैं इक्वल टू वाई और फिर इसको बोलते हैं इक्वल टू मारते हैं, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, तो इसमें अगर हम जीरो कर देंगे तो आपका जीरो आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग रेंज दे सकते हैं सर? रेंज नहीं, रेंज नहीं दे सकते इसमें, आप वन बाय वन ही देना है। अब इसमें एक चीज और आता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें 400 देना तो है, लेकिन हमारा पैन इधर कंपल्सरी, पैन तो चाहिए चाहिए, पैन के अलावा इन तीनों में से कुछ एक चाहिए, तो दो डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन होना ही चाहिए या इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तो यहां पे एंड और दोनों लगेगा। हम यहां देंगे एंड और हमने इसको सिलेक्ट किया कि इक्वल टू वाई, क्योंकि ये कंपल्सरी है। अब इन तीनों में से एक कंपल्सरी है तो फिर हम इसके अंदर और देंगे और फिर इन तीनों को वन बाई वन सिलेक्ट कर। ठीक है, पेन पे वर्ड आ रहेगा। आ गया सर। अब मैं यहाँ पे अगर वाई दूंगा तो टू आएगा और फिर इफ लगा के टू एन फॉल्स को कर सकते हो। अब जैसे कि रेंज की बात हुई तो हमारे पास और तरीके हैं, जैसे कि हमें रेंज देना है तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा सकते, काउंट इतना भी दे देंगे और बोलेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कितने है, रिजल्ट 4 आएगा और हमारा सब्जेक्ट भी 4 है। इसमें कंडीशन दे दीजिए कि इफ काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 4 देन पास, अदरवाइज फेल। सर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या दिक्कत हो सकती है इसमें आगे? दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये तो अब सारे सब्जेक्ट को ग्रेटर देन 30 ले लेगा ना। अब मान लीजिए हमारा 50 का, ये हमारा 50 का पेपर था तो ये 25 होगा, 25 पे पास होगा या 15 13 पे पास होगा, क्या सर? बराबर सेल काउंट किया उसने तो। हाँ, मतलब कि इसमें क्या है कि जितने भी एरिया है उसमें एक कंडीशन है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है कि हर चीज के लिए आप अपना अलग अलग कंडीशन दे दें। ओके,
और ऐसे ही यहां भी आप अगर मान लीजिए कि इस पे भी आप काउंट इफ लगाए तो y कर सकते हैं और इस पे भी काउंट इफ करके y कर सकते हैं, दो होगा, दो से ज्यादा। अब इसमें इसमें दिक्कत है सर, क्यों? क्योंकि इसमें काउंट इफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें a तो होना ही चाहिए। तो कुछ प्लस पॉइंट भी है तो कुछ हमारा माइनस पॉइंट भी है, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। हाँ, इसलिए एंड और लगाना जरूरी। ठीक है सर, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, काउंट वाला थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने काउंट इफ में लगाया, हमने रेंज दे दिया और इन्वर्टेड कॉमा में अपना कंडीशन दे दिया। पता है यहाँ पे जो इक्वल टू 4 है वो चार सेल का ऑटोमेटिक लिखा है, क्योंकि चार सब्जेक्ट था ना, इसलिए काउंट इफ का रिजल्ट चार आना चाहिए। मतलब चार आए मतलब कि चार सब्जेक्ट में गेटर देन 30 है और चार ही सब्जेक्ट किए हुए, इसलिए हमें चार इक्वल टू 4। अच्छा ठीक है, ठीक है, एंटर मारे। अच्छा पास आया, हाँ ठीक है, इसको ड्रिल डाउन करिए सर बाकी के लिए। हाँ बाकी में आया था, डी और ई में अगर ठीक से कम है तो फिर ओके, चारों में कंडीशन अगर मीट हो रहा है तब जाके पास दिख रहा है। बड़े बड़े डाटा में ये काउंट इफ इतना सक्सेस नहीं हो पाएगा, एंड और लगाना पड़ेगा। अलग अलग कंडीशन हुआ तो काउंट इफ सक्सेस नहीं। सर इसका वीडियो आप लिंक भेज दीजिएगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, टॉपिक में फंस गया था, आते बराबर इमीडिएट ज्वाइन किया। ठीक जी सर।